हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ जनरल नॉलेज क्वेश्चंस साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? दो परसेंट यानी ऑप्शन बी एकदम सही है। प्रश्न तीन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपए तथा 7 वर्ष में 1304 रुपए हो जाती है, धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन ए सही है, 800 रुपए और 9% वार्षिक। प्रश्न चार, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 204 रुपए अधिक आय होती, यह धन कितना है? सही उत्तर है बी, 12,000 रुपए। अब प्रश्न पांच, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ऑप्शन सी सही है, 6.3%। प्रश्न छह, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह 4 गुनी होगी? ऑप्शन सी 60 करेक्ट है। अब है प्रश्न सात, कोई व्यक्ति 5,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपए है, उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपए को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है, 3:2। प्रश्न 8, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2,420 रुपीस तथा 3 वर्ष में 2,662 रुपीस हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ऑप्शन ए 10% करेक्ट है। अब प्रश्न 9 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1,92,000। अब है लास्ट यानी आखिरी सवाल, जो कि है प्रश्न 10, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680 रुपीस तथा 10,648 रुपीस हो जाते हैं, तो क्रमशः दर तथा मूलधन कितना होगा? प्रश्न 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10% और मूलधन होगा 8,000 रुपए। तो ये थे कुछ सवाल, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे काफी नॉलेज मिली हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।